हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हथौड़ा अर्थात हैमर के बारे में। जी हाँ, जो चैप्टर चल रहा था वह टूल्स के बारे में चल रहा था, जिसमें हम फाइल के बारे में बात कर लिए थे, स्क्राइबर के बारे में बात कर लिए थे। तो अब हम बात करेंगे कि हथौड़ा क्या होता है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे कि हथौड़ा क्या होता है, लेकिन इसके सही बारे में, इसके पूरे बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप ITI की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, और आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हथौड़ा जो है साथियों सभी क्षेत्रों में लगभग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का हथौड़ा कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए जानते हैं हैमर क्या होता है। जी हाँ, यह जो है साथियों वर्कशॉप में आने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है। जी हाँ, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कील को ठोकते हैं, रिबिट को फोर्ज करते हैं, रिबिट को भी ठोकने के लिए कोई पदार्थ, पाइप हुआ या और कोई भी पदार्थ, टाइट करने के लिए, फिट करने के लिए, और किसी तार पर प्रहार करने के लिए, तार को काटने के लिए, टेढ़े मेढ़े पार्टों को जो है सीधा करने के लिए क्या करते हैं, हम हैमर का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा हम हैमर की सहायता से छेनी के द्वारा जो है धातु को भी काट कर क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे साथियों, आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ITI करते हैं तो आपसे इंटरव्यू में ज़रूर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हैमर के बारे में, कितने प्रकार के हैमर होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस मटेरियल से बना होता है, हम इन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हथौड़ा के द्वारा जो है हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं, अब क्रिया करते हैं तो फोर्जिंग होती है, बाइंडिंग क्रिया करते हैं, चिपिंग क्रिया करते हैं, रिविटिंग क्रिया करते हैं, आदि क्रिया जो है हम हथौड़ा के द्वारा जो है करते हैं। और इसके प्रयोग से पहले साथियों, हैमर का प्रयोग करने से पहले हमें एक चीज़ यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो हैमर का हैंडल है वह सही तरीके से फिट है कि नहीं, कहीं फटा है या ढीला तो नहीं है, और उसके उचित भार के अनुसार जो है हथौड़े का या उसके हथौड़े के हैंडल का जो है प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको सुचारू रूप से अच्छा दिखे उसी प्रकार से हम हैंडल का प्रयोग करते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा हैंडल का जो प्रयोग किया जाता है वह लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे साथियों, देखते हैं वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए, हथौड़े जो है या हैमर जो है किस मटेरियल का बना होता है। तो हैमर जो है साथियों यह कार्य करने के आधार पर कई प्रकार से जो है बना होता है। भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे अगर हमें फिटिंग करनी है, मशीन शॉप में प्रयोग करना है, तो कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का, और कार्बन स्टील को जो है हम फोर्ज करके क्या करते हैं, हथौड़े को अर्थात हैमर को हम बनाते हैं। जी हाँ, कास्ट स्टील और कार्बन स्टील सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे ज़रूर किसी न किसी इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा, और आप जब प्रैक्टिकल देंगे तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है इसके फेस जो होते हैं साथियों, जिससे हम प्रहार करते हैं, जिस भाग से हम प्रहार करते हैं उसे हम फेस कहते हैं, और पिन जो होता है साथियों फेस के सीधा विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ होता है। तो अभी हम आगे बात करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम फेस और पिन को क्या करते हैं, बहुत ही मजबूती से हम इसको हार्ड करते हैं और टेम्पर कर देते हैं, ताकि जो है हथौड़ा आराम से और मजबूती से बना रहे और अच्छे से जो है कार्य करे, और दक्षता जो है हमें अच्छी मिलती रहे। अब हम बात करेंगे कि हथौड़े के जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या क्या भाग हैं हैमर के। तो सबसे ऊपर का आपको जो भाग दिख रहा है यहाँ पर साथियों, इसे हम पिन कहते हैं। तो पिन जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि हम पिन से ही किसी लगभग हैमर को हम देखकर पहचान पाते हैं। हैमर को देखेंगे, उसके पिन को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि अरे ये जो है हैमर क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, बॉल पिन है, क्लॉ हैमर है, तो हम इसके पिन से देखकर ही पहचान जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक होल होता है जिससे हैंडल बाहर की तरफ निकलता है, बीच में साथ ही एक इस प्रकार का सपोर्ट लगा दिया जाता है जो कि हैंडल को बाहर न निकलने दे, और इसे हम वेज के नाम से भी जानते हैं। और जो ये छिद्र होता है, जो होल होता है साथियों, इसे हम आई होल के नाम से जानते हैं, नेत्र छिद्र के नाम से जानते हैं, या सबसे ज़्यादा जो है एग्जाम में भी या पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में भी। तो आप जो ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं साथियों, इसे हम फलक
हिंदी में फलक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे हम फेस के नाम से जानते हैं। तो आपसे कहीं भी पूछेंगे तो फेस क्या होती है या फलक क्या होती है, तो हैमर का वह भाग जिससे हम प्रहार करते हैं वह जो होता है फेस होता है या फलक के नाम से जाना जाता है। तो हैंडल तो आप जान रहे हैं साथियों, हैंडल का जो प्रयोग करते हैं हम किसी वस्तु पर प्रहार करने के लिए, हम अपने हाथ की मजबूती से पकड़ने के लिए जो है हैंडल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए साथियों, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं ये जो है हथौड़ा है। तो बीच में ये जो आप छिद्र देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर जो है दिखाया गया। तो यहाँ पर बीच में ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट देख रहे हैं, ये ही साथियों वेज होता है। और इस पूरे हुए होल को साथियों हम आई होल के नाम से जानते हैं, और ये आई होल जो होता है यह अंडाकार होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सभी पार्टों के नाम के बारे में जानेंगे और हम डिटेल में अच्छी तरीके से जानेंगे ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो हैंडल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि हैंडल क्या होती है। तो हैमर को हैंडल द्वारा जो है पकड़कर ही विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं हम करते हैं, और हैंडल को ज़्यादातर जो है लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि यह एक कुचालक होता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर अधिकांश हैमर के हैंडल को जो है हम लकड़ी का ही बनाते हैं। और कहीं कहीं साथियों अब आजकल तो इस समय जो है कहीं कहीं तो हैंडल जो है लोहे के वेल्डिंग करके बनाए जाते हैं ताकि जो है हैंडल बार बार ना निकले। अब हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो अगला पार्ट होता है आई होल। जी हाँ, इसे हम नेत्र छिद्र के नाम से जानते हैं। यह जो है हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल लगाने के लिए जो है एक अंडाकार जो है छिद्र बनाया जाता है। तो यह जो आई होल होता है साथियों, यह इसमें हैंडल को फिट करने के लिए बनाया जाता है। और यह जो होता है अंडाकार होता है, आपको पहले बताया है, और इसे हम आई होल या नेत्र छिद्र के नाम से जानते हैं। इस छिद्र में क्या करते हैं हम, हैंडल को फिट करने के लिए कभी कभी वेज का प्रयोग करते हैं। वेज का प्रयोग क्यों करते हैं साथियों, वेज का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ताकि जो हथौड़ा का हैंडल है वह हथौड़े से बाहर ना निकले। तो आई होल के बाद अगला जो पार्ट है साथियों वह है फलक। जी हाँ, फलक के बारे में बात किए तो आपसे कहीं पूछ ले तो आप बच सकते हैं फलक क्या है। तो फलक जो होता है साथियों उसे हम फेस कहते हैं, फेस को ही हम फलक कहते हैं। और हथौड़े का यह एकमात्र ऐसा भाग होता है जो कि आकार में चपटा होता है, मात्र एक ऐसा भाग ही होता है फलक जो कि आकार में चपटा होता है। और प्रयोग जो है साथियों फलक का ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि फलक से ही हम किसी रिबिट को, किसी धातु या चादर को आदि को चोट मारने के लिए जो है हम फलक का ही प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं साथियों अगला पार्ट जो है पिन जो है। तो पिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, पिन के भी बारे में पूछा जा सकता है कि पिन क्या है। तो पिन अभी हम जस्ट बताए कि किसी हैमर को पहचानने के लिए हम हैमर के पिन को देखते हैं। तो हैमर के जब पिन को देखते हैं तो इससे हमें क्या होता है, जब हम हैमर के पिन को देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, किस प्रकार का हैमर है हम इसको पहचान लेते हैं। तो यह फलक के जो है सीधे विपरीत दिशा में ऊपर के और शीर्ष के भाग में होता है, जिसे पिन के नाम से जानते हैं। तो फेस जिसे हम प्रहार करने के लिए, चोट को मारने के लिए जहाँ हम बता रहे थे, फेस जो होता है फेस के सीधा ऊपर, जैसे आपका साथियों ये एक प्रकार का हैमर हुआ, तो ये हैमर हुआ, ये हैंडल लगा दिए, तो ये तो आपका फेस हो गया साथियों। और ये भाग जो है सबसे ऊपर का, इसे हम पिन के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं गोलाकार में बना दिया जाता है, स्ट्रेट आकार में भी बना दिया जाता है, क्रॉस पिन के आधार पर भी बना दिया जाता है। तो हम इसको देखकर ही पहचान जाते हैं कि बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, किस प्रकार का हैमर है। उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे, अगला जो पार्ट है वह है चीक। तो चीक जो होता है साथियों, चीक जो होता है यह फलक और फलक के बीच का, जी हाँ शीर्ष हैमर का जो शीर्ष होता है, जैसे आपका हैमर हो गया, तो हैमर के शीर्ष और फलक अर्थात फेस के बीच का जो भाग, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है सॉफ्ट बनाया जाता है, और इसी को हम चीक के नाम से जानते हैं। यह हैमर जो है शीर्ष में क्या होता है उपस्थित सबसे मुलायम भाग है। जी हाँ, ये चीक जो होता है सबसे हैमर में सबसे मुलायम भाग होता है, और शीर्ष के दोनों तरफ जो है शीर्ष के दोनों तरफ होता है, शीर्ष के जो है वह दोनों तरफ ही बनाया जाता है। जैसे बीच में छिद्र हो गया तो साथियों दोनों तरफ जो है बनाया जाएगा चीक। और यह जो है पिन तथा फलक के बीच का भाग होता है,
पीण मतलब शीर्ष का और फलक मतलब जहाँ से हम प्रहार करते हैं, ये दोनों के बीच का जो है भाग होता है, जिसे हम चीक के नाम से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, हैमर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों जो है हैमर को उनके वजन के आधार पर, जी हाँ उनके वजन के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत जो है किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वह जो है वजन के आधार पर किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हैमर जो है कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हैमर जो होता है साथियों हैंड हैमर होता है, हैंड हैमर जिसे हम हस्त हैमर के नाम से जानते हैं। तो हैंड हैमर में भी कई प्रकार के हैमर आते हैं। तो उसके बाद जंबूर हैमर जो होता है साथियों, इसे हम क्ला हैमर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका मृदु हैमर है, मृदु हैमर जो है साथियों इसे हम सॉफ्ट हैमर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका स्लेज हैमर है, इसे हम घन हैमर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका पांचवा जो है वह है शक्ति हैमर, जहाँ जिसे हम पावर हैमर के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा लगभग आपके इंटरव्यू हो या प्रैक्टिकल हो तो सबसे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आम क्वेश्चन है। अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हैं तो भी इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे हैंड हैमर क्या होता है, उसके बाद जंबूर हैमर के बारे में जानेंगे, मृदु हैमर के बारे में, स्लेज हैमर के बारे में, शक्ति हैमर के बारे में जानेंगे। तो हैमर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वजन के आधार पर वह 5 प्रकार से किया गया है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो हम बात करेंगे हैंड हैमर अर्थात हस्त हथौड़ा किसे कहते हैं। तो यह जो होता है सामान्यतः साथियों हाथों से प्रयोग किया जाता है, जी हाँ इसको हम हाथों द्वारा चलाते हैं। और इसका जो वजन होता है लगभग 125 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का होता है। यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और वजन के अनुसार इसमें हत्थे को भी फिट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 100 ग्राम का हथौड़ा है तो इसमें बहुत वजन जो है हैंडल या हत्था फिट करते, तो ऐसा नहीं होता। उसके वजन के हिसाब से हम हैंडल या हत्थे को फिट करते हैं। तो इसका वजन जो होता है साथियों 0.125 kg से 1.5 kg तक जो है होता है इसका वजन। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है साथियों ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप ये सब बातों को, जो छोटी छोटी बातें, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और आप अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो नोट्स को बनाते चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे हमें। तो चलिए देखते हैं, जिसकी लंबाई जो होती साथियों, इसकी लंबाई जो होती 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर जो है रखी जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं अभी हम बात करेंगे आगे, और पिछली भी वीडियो में बात कर चुके हैं इसके साइज हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है साथियों चोट मारने के लिए और किसी भी वस्तु को ठोकने पीटने के लिए इसका हम प्रयोग जो है करते हैं। और चोट मारने के लिए इसमें पिन तथा फेस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इसके पहले जब हम इसके भागों या पार्टों के बारे में पढ़ रहे थे तो फेस जो होता है साथियों, आपको हम बताए थे कि फेस जो होता है वो नीचे का भाग होता है जिससे हम क्या करते हैं, चोट मारते हैं। तो ये आपका फेस होता है और ऊपर जो होता है पिन होता है। तो हम कभी कभी पिन का भी इस्तेमाल करते हैं ठोकने के लिए, और ये हार्ड और टेम्पर बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका हैमर में दोनों पार्ट जो हैं, फेस जो होता है और पिन जो होता है, दोनों को क्या करते हैं, हम हार्ड और टेम्पर बनाते हैं, क्योंकि दोनों से हमें ठोकने की कभी ना कभी आवश्यकता जो है पड़ सकती है। तो अब हम आगे बात करेंगे बालपिन हैमर या बालपिन हथौड़ा किसे कहते हैं। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो हैमर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो इस हैमर का जो पिन होता है साथियों, बाल पिन बाल के समान होता है अर्थात गोलाकार होता है। जो पिन होता है ऊपर का जो भाग होता है वो गोलाकार होता है। तो अभी हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और जबकि फेस दूसरे हैमर के समान चपटा होता है। तो लगभग सभी हैमर के जो फेस होते हैं साथियों एक समान होते हैं, चपटा ही। और इसका जो मार्किंग जो प्रयोग होते हैं मार्किंग करने के लिए या चीपिंग करने के लिए, हल्की चोट मारने के लिए कामों पर किया जाता है। तो इसका वजन कम होता है, जाहिर सी बात है। तो इसका जो है काम हम करेंगे तो हल्के कार्यों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और बालपिन जो होता है, बालपिन विशेष प्रकार के रिविटिंग करने के लिए भी किया जाता है। और बालपिन द्वारा हम गोल गोल जो है चोट पड़ने के लिए रिविट के चारों ओर जो है आसानी से फैल भी जाती है। यदि बालपिन हैमर से हम किसी पर प्रहार करें
तो बॉलपिन हैमर का जो फेस होता है इतना फ्लेट अर्थात इतना चिपटा बनाया जाता है कि हमें चाहे रिवेटिंग करना पड़े या कोई भी अपक्रिया करनी पड़े तो बहुत ही सुटेबल होता है हमारे लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं बॉलपिन क्या है। तो ये आप जो देख रहे हैं साथियों बॉलपिन हैमर है। तो बॉलपिन हैमर मतलब इसका जो बॉलपिन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो पिन है साथियों, पिन आप ये देख रहे हैं, पिन जो इसका है ये कैसा है, बाल के समान है, गोला है। आप देख रहे हैं इसका जो पिन है ये ऐसे बाल के समान है, इसीलिए इसका जो नाम हुआ साथियों वह बॉलपिन हैमर के नाम से पड़ा। तो इसके हम पार्ट आपको बता चुके थे, ये आपका हैंडल हुआ, ये चेक हुआ, ये विड्ज हुआ, आई होल हुआ और पिन हुआ और यहाँ पर नीचे फेस हुआ। तो नाम के इसके बारे में हम आपको चर्चा भी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों। अगला जो हैमर है वह है क्रॉस पिन हैमर। जी हाँ, क्रॉस पिन हैमर क्या होता है? तो साथियों हम कैसे पहचानते हैं, तो हम पिन को देखकर जो है पहचान लेते हैं कि हैमर किस क्वालिटी का है, कौन सा हैमर है। तो चलिए हम देखते हैं इस हैमर का जो फेस होता है साथियों, फेस होता है चपटा होता है, ये तो सभी हैमर का होता है, परंतु इसके पिन जो होते हैं, पिन मतलब ऊपर का जो फेस के सीधे विपरीत का जो पार्ट होता है पिन, वह भी के समान होता है और पिन के अच्छे जो हैंडल से होती है वह 90 अंश पर होती है। इसके क्रॉस होने के कारण ही इसे हम क्रॉस पिन हैमर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसको क्रॉस होने के कारण ही हम इसे क्रॉस पिन हैमर के नाम से जानते हैं। और यह जो है धातु के एक दिशा में फैलने या सीट के किनारे मोड़ने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, फेस तो सबका वही होता है, लेकिन पिन का जो प्रयोग किया जाता है वह धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है या सीट को एक साइड में मोड़ने के लिए जो है क्रॉस पिन का प्रयोग किया जाता है। यह सब एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो IHR भी पूछ सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ये आपका जो हैमर दिख रहा है साथियों, ये है क्रॉस पिन हैमर। तो ये आप देख रहे हैं क्रॉस, ये आपका जो है कैसा है, क्रॉस बनाया गया है। इसी पिन से हम पहचानते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, पिन आपके जिस प्रकार से होगी हैमर जो है उसी प्रकार के से माना जाएगा। आपका एक क्रॉस पिन हैमर है, आप फिगर से देख कर समझ जाए, क्योंकि ये देखो आपका जो क्रॉस बनाया गया है ये यहाँ से क्रॉस है, फिर यहाँ पर क्रॉस है और ये सीधा है 90 अंश पे। यहाँ से अगर हैंडल लगा दे तो ये जो आपका हुआ कितने पे हुआ साथियों, 90 अंश पे आपका ये हुआ, इसीलिए क्रॉस पिन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में। तो ये है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। जी हाँ, स्ट्रेट पिन हैमर। अब स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है साथियों, स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है वह भी लगभग क्रॉस पिन के अनुसार ही होता है लगभग, लेकिन जो होता है पिन जो होता है वह उल्टे भी के आकार के समान होता है। तो इस हैमर का जो फेस होता है चपटा होता है, सभी हैमरों का फेस जो होगा वह चपटा होगा। पिन जो होगा साथियों आकार में उल्टे भी के समान होगा, उल्टे भी के समान होगा और स्ट्रेट पिन हैमर जो है इस पिन के अक्ष के समांतर सीध में होता है। जी हाँ, अक्ष के समांतर जो होता है वह सीध में होता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेट पिन हैमर के नाम से जानते हैं। और इसे जो है साथियों इसका जो प्रयोग करते हैं हम साइडों को फैलाने के लिए और सीधे कॉर्नर में चोट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीधे कॉर्नर में चोट लगाने के लिए किस प्रकार का हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेट पिन हैमर का जो है प्रयोग किया जाता है सीधे कॉर्नर में चोट लगाने के लिए। तो अब हम आगे बात करेंगे साथियों, आप ये देखिए स्ट्रेट पिन हैमर जो है साथियों आपका इसी प्रकार से, यह जो है एकदम आप देख रहे हैं कि सीधे है। आप इसके पिन को यदि ध्यान में रखें तो इसका पिन जो है साथियों आपको सीधा दिख रहा है, ये पिन जो है आपका सीधा दिख रहा है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम सीधे कॉर्नर पर जो है प्रयोग करते हैं। तो आप फिगर से देखकर समझ जाएंगे कि क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन क्या होती है, इसीलिए हम आपको पूरे फिगर के माध्यम से दिखाते हुए चल रहे हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे साथियों डबल फेस हैमर। जी हाँ, डबल फेस हैमर क्या होता है? तो डबल फेस हैमर जो होता है साथियों, इसमें जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं कि डबल फेस, इसमें जो होगा डबल फेस होगा, इसमें पिन नहीं होगी। इस हैमर में दोनों सिरों पर फेस होता है और इसे हम दोनों से चोट मारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो प्रयोग करते हैं साथियों, हम दोनों बगल से इसका हम यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से क्या होता है, फेस होता है। इसका जो प्रयोग हम करते हैं रिवेटिंग में, बड़े रिवेट को कप को टूल पर के ऊपर चोट मारने के लिए,
या रिवेटिंग करने के लिए, चिपिंग करने के लिए हम जो है डबल फेस हैमर का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अब हम आगे चलिए बात करते हैं अब नंबर दो। अभी तक हम जो बात कर रहे थे साथी वो हैंड हैमर के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, वो जितने भी हम बात किए क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, बॉल पिन और डबल फेस पिन, ये सब हैंड हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला जो प्रकार है, जंबूर हथौड़ा। जंबूर हथौड़ा जो है साथियों, इसे हम क्ला हैमर के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा इसे कहीं भी आप पाएंगे तो क्ला हैमर के नाम से जानेंगे, तो आप जंबूर हैमर के भी नाम से इसको जानते रहें। तो यह जो है साथियों, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है इसका कारपेंटर शॉप में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसे बढ़ई प्रयोग करते हैं। इसमें जो होता है ये गोर चपटा फेस और तथा फेस जो होगा सभी का चपटा ही होगा। दूसरी ओर जो होगा साथियों, कील के हेड को फंसाने के लिए एक झिर्री कटा होगा जो एक चिमटा के रूप में बनाया जाता है, और जिसे हम जंबूर अर्थात क्ला हैमर के नाम से जानते हैं। इसमें भी साथियों पिन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पिन के स्थान पर साथियों इसमें जो है झर्री काटे जाते हैं। तो आइए फिगर में देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपका जो है साथियों क्ला हैमर है। इसे सबसे ज़्यादा बढ़ई साप में प्रयोग किया जाता है। ये आपका फेस हो गया, यहाँ से हम चोट मारते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आप जो ये इस प्रकार की झिर्री देख रहे हैं, तो इस झिर्री में हम क्या करेंगे, ये झिर्री में हम क्या करते हैं, कील को फंसाकर निकालने के लिए इस प्रकार के हैमर का जो है हम प्रयोग करते हैं। इसे हम क्ला हैमर या जंबूर हैमर के नाम से जानते हैं। इसमें पिन नहीं होता, क्योंकि साथियों पिन का जो स्थान है पिन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर पिन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झिर्री काटी गई है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों, मृदु हथौड़ा। जी हाँ, मृदु हथौड़ा अर्थात मृदु हैमर क्या है। अब हम तीसरा जो है, दो हैमर के बारे में बात कर लिए, हैंड हैमर, उसके बाद दूसरा जंबूर या क्ला हैमर। अब उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे हैमर के बारे में जो है मृदु हथौड़ा। मृदु जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, सॉफ्ट हैमर के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका प्रयोग जो है हम किसी ऐसे कारखंड जिस पर हमें चोट मारनी हो, जिसकी सतह जो है साथियों उस पर निशान ना आए, ताकि डर ना रहे कि इसकी जो सतह है वह ख़राब हो जाए, इस स्थान पर जो है मृदु हैमर का प्रयोग करते हैं। और मृदु हैमर जो है साथियों धक्का सहन कर लेते हैं। मृदु हैमर जो होते हैं उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो धक्का को सहन कर लेते हैं, क्योंकि यह कारखंड अर्थात जो जाप की धातु से अधिक कठोर नहीं होते। जी हाँ, ये जो है धातु जो जॉब होता है उससे अधिक कठोर जो है ये नहीं बनाए जाते। ये जो होता है साथियों सबसे ज़्यादा लकड़ी के बनाए जाते हैं, तांबा के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं, कच्चा चमड़ा के या कठोर रबड़ आदि से ये हैमर जो है बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वुडन हैमर अर्थात जो लकड़ी का हैमर बनाया जाता है, इसका प्रयोग हम जैसे जहाँ हम सीट पर कार्य करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, चद्दर की कोई और वस्तु बनाते हैं, तो इस सब जगह पर हम लकड़ी के हैमर या प्लास्टिक के हैमर, नायलॉन के हैमर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वहाँ पर जो है वस्तुओं पर जो है फिनिशिंग बनी रहे, इसीलिए हम सॉफ्ट हैमर का जो है प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे मैलेट हैमर। जी हाँ, मैलेट हैमर क्या होता है? मैलेट हैमर जो होता है यह भी साथियों आपके सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है मैलेट हैमर। अब हम देखेंगे यह जो है साथियों लकड़ी का बनाया जाता है और इनका प्रयोग अधिकतर जो है धातु या चादर के कार्यों में किया जाता है। यह शीशम का बनाया जाता है, इमली का बनाया जाता है, कीकर का बनाया जाता है, टीक या कोई अन्य लकड़ी जो कि कठोर हो उसका हम प्रयोग करके मैलेट, या कहीं कहीं आप इसे वुडन मैलेट हैमर के नाम से भी पाएंगे। तो मैलेट या वुडन मैलेट हैमर जो है एक ही होता है या लकड़ी का बना होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग लगभग सीट के चादर काटने या रिवेटिंग करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपका जो है साथियों ये है आपका वुडन मैलेट हैमर, इसे हम मैलेट हैमर कहते हैं। यह जो होता है साथियों लकड़ी का बना होता है। यह आपका कौन सा हैमर है साथियों? यह आपका जो है वुडन है मैलेट हैमर, या इसे हम मैलेट हैमर के भी नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं, हम आपको फिगर इस प्रकार से इसीलिए दिखाते चल रहे हैं कि ताकि आप देखकर जो है पता लगा सकें कि ये हैमर जो है, हाँ ये हैमर क्ला हैमर है, ये हैमर बॉल पिन है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है या पावर हैमर, किस प्रकार का हैमर है। इसीलिए हम आपको दिखाते चल रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी तरह से होती जाए। तो अगर आपको लगे कि इससे आपके दोस्तों को हेल्प मिल जाए तो आप अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अब हम बात करते हैं
नायलॉन हैमर। जी हाँ, नायलॉन हैमर क्या होता है, नायलॉन हथौड़ा क्या होता है, यह जो होता है एक चिम्मड़ अर्थात नर्म पदार्थ के बना, यह एक जो है चिम्मड़ अर्थात नर्म पेट्रोलियम पदार्थ है जो कि काफ़ी धक्का सहन करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, यह काफ़ी जो है धक्का सहने का क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि यह एक चिम्मड़ होता है अर्थात नर्म पेट्रोलियम पदार्थ से बना होता है, इसीलिए ज़्यादा जो है धक्का सहने का क्षमता रखता है। और यह एक लोहे के हैमर के दोनों तरफ जो है नायलॉन के पैड जो है कस दिए जाते हैं, इसमें नायलॉन के जो पैड होते हैं दोनों तरफ लगा दिए जाते हैं, अर्थात जो इसमें फेस बने होते हैं वह किसके, नायलॉन के बने होते हैं। और इस हैमर से चोट मारने पर जो है किसी सतह पर निशान नहीं पड़ता, और इसका उपयोग जो है अच्छे टूल रूम अर्थात एरोनॉटिक शॉप इत्यादि में भी किया जाता है। और इसका प्रयोग साथियों हम वैसे जो है सीट मेटल कार्यों पर भी इसका प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं साथियों, देख लीजिए आपको हम दिखाते हैं, ये है आपका नायलॉन हैमर, ये आपका एक लोहे का पैड है, लोहे का ये आप देख रहे हैं कि पैड है, और इस लोहे के पैड के आप देख रहे हैं दोनों तरफ नायलॉन की पट्टी लगा दी गई, अर्थात जो टोकने पीटने का काम करते हैं हम ये दोनों फेस से करते हैं ताकि इस पर क्या हो किसी प्रकार का निशान न पड़े सीट मेटल पर। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों, स्लेज हैमर। जी हाँ, स्लेज हैमर क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्लेज हैमर जो होगा यह भारी होता है साथियों, चौथे नंबर का हैमर है। इसके पहले हम तीन हैमर जान गए, कौन, सबसे पहले हैंड हैमर, फिर उसके बाद हम जाने हैंड हैमर के बाद मेरे सॉफ्ट हैमर, उसके बाद एक और हैमर के बारे में हम बात किए जो था क्लॉ हैमर, अब हम बात कर रहे हैं स्लेज हैमर अर्थात इसे हम घन हैमर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो है साथियों सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग लोहार जो है क्या करते हैं, धातुओं को पीटने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर जो है सीट मेटल शॉप में किया जाता है, धातु को क्या पीटने फोर्ज करने जैसे इत्यादि भारी कामों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रहार जो होता है साथियों चोट मारने के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका वजन जो होता है 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है। और इसका प्रयोग है जो है चोट मारकर हम डाई द्वारा फ्लैट या एंगल आदि को काटने के लिए भी करते हैं क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है, तो आपको वजन बता दिए। और सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि जो होता है स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, स्लेज हैमर का जो वजन होता है आप इसको तैयार कर लीजिए कि इसका वजन जो होता है साथियों 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है, और इसके अनुसार ही इसके हैंडल की जो लंबाई रखी जाती है साथियों वह 600 से लेकर 900 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई रखी जाती है। और इसके हम वजन के ही अनुसार हम इसकी लंबाई या हैंडल की रखते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये है आपका स्लेज हैमर, इसका वजन जो होता है साथियों स्लेज हैमर का 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों अगला पावर या शक्ति हैमर। तो 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचवा जो है साथियों कौन सा है, शक्ति हथौड़ा या शक्ति हैमर। यह जो है यह हैमर भारी जावों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह हैमर जो है बिजली की मोटर को इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि यह हैमर जो होता है साथियों वजन में बहुत ज़्यादा होता है, टन में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है, इसको जो है हम बहुत ज़्यादा वजन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा भार का या हैमर जो होता है इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा करते हैं, और यह जो है अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वजन जो होता है साथियों ज़्यादा होता है, तो जब इसका भार ज़्यादा होगा तो किसी भी, आप जान रहे हैं भार ज़्यादा है तो जिस मटेरियल को फोर्ज करेंगे वह भी मटेरियल भी, जो टॉपिक चल रहे थे वो टूल्स के बारे में चल रहे थे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे टूल से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ITI में पूछे जाते हैं, या आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या कहीं जॉब के लिए जाते हैं या आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे पर्पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, बेंच वाइस की जो बॉडी बनी होती है वह किस मेटल की बनाई जाती है। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कास्ट आयरन की, और ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील की, और ऑप्शन सी है निकेल स्टील की, ऑप्शन डी है क्रोमियम स्टील की। जी हाँ,
जो भी इंच वाइज की बॉडी बनाई जाती है वह किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो आप अगर तैयारी किए होंगे तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ गया होगा। तो बेंच वाइज की जो बॉडी बनाई जाती है साथियों, वह कास्ट आयरन की बॉडी बनाई जाती है। जी हाँ, जो बॉडी बनाई जाती है वह कास्ट आयरन की बॉडी जो है बनाई जाती है। अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई की कोर्स कर रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक में इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तैयारी करने के बाद, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो बताई जाएगी, सभी प्रकार के टॉपिक आपसे शेयर किया जाएगा या बताया जाएगा। तो चलिए अगला है क्वेश्चन साथियों, वॉइस क्लैंप। जी हाँ, जो वॉइस क्लैंप होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जी हाँ, वॉइस क्लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके पहले हम जो टूल्स के बारे में बात किए थे साथियों, पूरा हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट बताए थे, तो उसी टॉपिक से जो टॉपिक आपको बताए थे उसी टॉपिक से सभी क्वेश्चन हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम आपको ये ना बताए, जितने भी बताए हैं सभी से ही हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो जो क्वेश्चन होगा आपके वॉइस से और हैमर से पूछा जाएगा। इसके बाद अगले जो टॉपिक और बताए गए हैं सब में से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाएगा। तो क्वेश्चन है, वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है तो किस लिए वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फिनिश सतह के बचाव के लिए, ऑप्शन बी है हॉल्ट जैक के बचाव के लिए, ऑप्शन सी है जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए, और ऑप्शन डी है मूवेबल जैक को फाइल से बचाने के लिए। जी हाँ साथियों, जो वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, फिनिश सतह के बचाव के लिए हम वॉइस क्लैंप का जो है उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पर लास्ट तक बन रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आपको यहाँ नीचे दिया गया है, तो हम जब हैमर के बारे में बात कर रहे थे तो हैमर में आपको पूरा चित्र वाइज चित्र पॉइंट वाइज पॉइंट पूरा बताए थे। तो इसमें क्वेश्चन जो है चाहती हूँ, आपको जो ये हैमर दिख रहा है इस हैमर को पहचानना है कि यह कौन सा हैमर है। तो आपको हम पहचानने के लिए बताए थे साधारण सा तरीका कि हम क्या करते हैं, उसके पिन को देखते हैं अर्थात ऊपर वाले भाग को देखते हैं, तो हम पिन को देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा हैमर है ये। तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साथियों स्ट्रेट पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर और बॉल पिन हैमर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन है। तो हम आपको बताए थे कि आपको क्या देखना है, आपको पिन देखकर पता लग जाएगा कि कौन सा हैमर है। तो आपका जो हैमर है किस प्रकार से दिख रहा है, गोल दिख रहा है, बॉल की तरह। तो राइट आंसर जो होगा साथियों बी, राइट आंसर होगा बॉल पिन हैमर। क्यों? क्योंकि इसका जो पिन है वह बॉल की तरफ गोल है। तो आगे हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर लास्ट तक बने रहें और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रायः वॉइस के जो हैंडल की लंबाई होती है वह किस प्रकार से होती है, और किस प्रकार से हम हैंडल की लंबाई जो बनाते हैं वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं। ऑप्शन ए है साथियों, हम जब बात कर रहे थे इस चैप्टर में तो आपको हम बताए थे कि जो वॉइस के हैंडल को बनाते हैं हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो ऑप्शन है आपका वॉइस के नॉमिनल साइज का डेढ़ गुना बनाते हैं, वॉइस के नॉमिनल साइज का ढाई गुना बनाते हैं, वॉइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना बनाते हैं, या वॉइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना बनाते हैं। तो साथियों, वॉइस का जो हम हैंडल की लंबाई होती है वो कितनी होती है, आपको हम बताए थे जब वीडियो पे बात कर रहे थे वॉइस के बारे में। तो राइट आंसर जो है बी है, राइट आंसर वॉइस के नॉमिनल साइज का 2.5 अर्थात ढाई गुना जो है हम वॉइस के हैंडल की लंबाई को बनाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेंच वॉइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आता है। बेंच वॉइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, लगभग हर साल ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बटर थ्रेड, ऑप्शन बी है वी थ्रेड्स, ऑप्शन सी है स्क्वायर थ्रेड्स, और ऑप्शन डी है एक्मी थ्रेड। जी हाँ, बेंच वॉइस के स्पिंडल पर कौन सी
स्ट्रेट कटी होती है, आपसे जो है वाइबर में भी पूछा जा सकता है, और कहीं कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि बेंच वाइज के स्पेंडल पर जो थ्रेड्स कटी होती है कौन सी होती है। तो साथियों जो राइट आंसर है आपका सी राइट आंसर है स्क्वायर थ्रेड, आप इसको मत भूलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंच वाइज के स्पेंडल पर जो थ्रेड्स कटी होती है वह होती है स्क्वायर थ्रेड। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इससे फिगर को देखकर, इस वॉइस को देखकर, जो वॉइस आपके सामने दिख रही है इस वॉइस को देखकर आपको बतानी है कि यह वॉइस जो है कौन सी वॉइस है। जी हाँ, आपको फिगर में देखकर बताना है कि यह कौन सी वॉइस है। तो जब हम बात कर रहे थे वॉइस के बारे में तो आपको हम पूरा फिगर वाइज पॉइंट और फिगर चित्र की तरफ दिखाते हुए चल रहे थे। तो आपको बताना है कि यह वॉइस जो है किस प्रकार की वॉइस है। ऑप्शन है पिन वॉइस, ऑप्शन बी है पाइप वॉइस, ऑप्शन सी है शीघ्रता से खुलने योग्य वॉइस, और ऑप्शन डी है टूल मेकर्स वॉइस। तो साथियों जो आपका राइट आंसर है वह ए है, राइट आंसर पिन वॉइस। जी हाँ, आपको जो वॉइस दिख रही है फिगर में वह है पिन वॉइस। अब हम आगे बात करेंगे, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम है। जी हाँ, यह कौन सा उपकरण है? आपको जब हम वीडियो में बता रहे थे, जब हम चैप्टर चालू किए थे वॉइस में, तो ये भी मिला था कौन सा वॉइस है आपको देखकर बतानी है। ऑप्शन ए है पाइप वॉइस, ऑप्शन बी है शीघ्रता से खुलने योग्य वॉइस, ऑप्शन सी है टूल मेकर्स वॉइस, और ऑप्शन डी है हैंड वॉइस। तो साथियों कौन सा वॉइस है आपको फिगर देखकर बताना है। तो यह जो है राइट आंसर इसका कौन सा होगा साथियों? ये जो होगा राइट आंसर होगा पाइप वॉइस। क्यों? क्योंकि हम जब देखे थे, जब वॉइस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि आपको जो यहाँ पर भाग दिख रहा है वी आकार का, इसमें हम पाइप को डालते हैं और ऊपर से स्पेंडल की सहायता से हम कस देते हैं और पाइप जो है मजबूती से जकड़ जाता है, इसी लिए इसको हम पाइप वॉइस के नाम से जानते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, चित्र में दर्शित जो टूल है उसके अंकित जो एक्स भाग है उसका क्या नाम है। जी हाँ, एक्स भाग जो है इसका क्या नाम है। यह लगभग हर बार सभी प्रकार के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन जितने हैं सभी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है ये कौन सा भाग है, इसका क्या नाम है? आपका ये वॉइस जो है साथियों सी क्लैंप है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, आपका जो दिख रहा है पोर्शन क्या है, हैंडल है, ऑप्शन ए में हैंडल है, ऑप्शन बी जो है स्क्रू रॉड या स्पिंडल है, ऑप्शन सी है फिक्स्ड पैड, और ऑप्शन डी में है फ्रेम या बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कौन सा है? बी राइट आंसर है स्क्रू रॉड या स्पिंडल। जी हाँ, आपको जो फिगर में दिख रहा है या स्क्रू रॉड है या स्पिंडल है। अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, कौन सा हथौड़ा है जो कि हम भारी कार्यों के लिए, मतलब भारी कार्यों का तात्पर्य है कि बड़े कार्य जैसे फोर्ज करने के लिए लोहारी गिरी में, या जहाँ पर हमें थोड़ा बड़े हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी है आपका सीधा पिन हैमर, और ऑप्शन डी है आपका स्लेज हैमर। तो साथियों जब हम बात कर रहे थे हैमर के बारे में, तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, ये तीनों हैमर किस हैमर के अंतर्गत आते थे? तो ये तीनों हैमर जो हैं आपके हैंड हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो हैंड हैमर में हम क्या करते हैं, छोटे मोटे कार्यों में जो है प्रयोग करते हैं, और आपका जो स्लेज हैमर है इसको हम घन हैमर के नाम से जानते हैं, ये यह हैमर जो है बड़े कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग जो है लोहार सबसे ज़्यादा करते हैं, या ब्लैक स्मिथ शॉप में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ये किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो ITI से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।